स्वागत है आपका सिंघ ऑटो ज़ोन के नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉप 8 बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल कार्स यूज करने के 8 फायदे हमें जो है वो बात करेंगे। जीरो मिशन तो है, ये तो एक उसका प्लस पॉइंट है। इसके अलावा जो 8 अदर फायदे हैं हमें ये इलेक्ट्रिकल कार्स यूज करने के, इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज करने के, उस पर बात करेंगे। क्योंकि अब शुरू हो गया है नई कारें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, कल ही कोना लॉन्च हुई है, आने वाले समय में इस साल और चार और नए इलेक्ट्रिकल मॉडल अच्छे हाई एंड लाइक निसान लीफ इस तरह के मॉडल लॉन्च होने वाले हैं। तो एक बार दोबारा से रिवाइव करते हैं कि फायदा क्या है या गवर्नमेंट क्यों इसको पुश कर रही है, उस पर भी बात करेंगे। वो इन फीचर्स में वो पॉइंट भी ऐड हो जाएंगे। फेम 2 में क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये सब आज इस वीडियो में कवर होने वाला। अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल कार्स में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में, तो बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सबसे बड़ा फायदा जीरो मिशन, कोई पोल्यूशन नहीं होता है, जिसकी वजह से यही मेन रीजन है, सब बड़े रीजन में से ये सबसे बड़ा रीजन है कि इसको कोई भी सरकारें लोग इसको पुश किया जा रहता है कि इसको खरीदिए, इन्वायरमेंट के लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा है, जितना ज्यादा कम पोल्यूशन होगा उतना हमारे लिए, हमारी नई जनरेशन के लिए ये अच्छा है। इसके अलावा 8 फीचर्स की बात करेंगे। सबसे पहले जो मुझे अच्छा लगा, टाइम सेविंग है। अब आप कहोगे टाइम सेविंग कैसे? बिल्कुल दोस्तों, पेट्रोल पंप पर काफी बार हम भी खुद फंसे हैं, लंबी कतारें लगी होती हैं कई बार, स्पेशली सीएनजी स्टेशन जो है पंप पर, क्या दिक्कत है, 2 घंटे वहां लगकर लाइन्स लगती है। तो वो यहाँ इस केस में नहीं है, सिर्फ नाइट में आराम से आप चार्जिंग पे लगाइए और दिन में अपना आप जितने भी आपकी रेंज के हिसाब से आप यूज करते हैं गाड़ी को यूज कीजिए। नंबर 2, यहाँ गवर्नमेंट का पॉइंट है, वो सरकारें चाहती कि जो उनकी डिपेंडेंस है कच्चे तेल पर, क्रूड ऑयल पर, उसको कम किया जाए। वैसे भी जिस हिसाब से इसका यूज बढ़ रहा है दुनिया भर में, इसका जो ये तेल है उसकी कमी आ रही है, क्योंकि ये लिमिटेड है, ये कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें नई टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट होना ही पड़ेगा। और ज्यादा प्रेशर बहुत ज्यादा, डिमांड बहुत ज्यादा, इसी वजह से इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज्यादा यूज करेंगे, डिमांड कम होगी, तो उसका जो प्राइस है, जो लोग अभी अफोर्ड नहीं कर सकते इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, उनके लिए भी अच्छा है आगे चलकर, कि एटलीस्ट उसका प्राइस तो कंट्रोल में रहेगा अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज्यादा सड़कों पर ऐड होते हैं, क्योंकि डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कंट्रोल में रहेंगे। नंबर 3, परफॉर्मेंस। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स गियर का कोई चक्कर नहीं होता कि हमें गियर चेंज करके हमें टॉर्क आस्ते आस्ते हमारी टॉप गियर पे हमारी मैक्सिमम टॉर्क मिलती, नहीं। यहाँ मोटर्स हैं, मोटर्स की ये खासियत है कि वो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे जो भी उसकी जो मैक्सिमम टॉर्क होती है वो आपको स्टार्टिंग लेवल पर ही मिल जाती है। तो ऐसे में जो एक्सेलरेशन है, जो पिकअप है, हमें इलेक्ट्रिकल कारों में अच्छी मिलती है। नंबर 4, इंडिया की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल 7% का कट लगा है टैक्स में, जीएसटी 12 से 5% कर दी गई है, जीएसटी काउंसिल के पास फाइल गई है, मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक तक वो भी बेनिफिट हो जाएगा। तो 7% दोस्तों कम नहीं होता, जैसे अभी लास्ट वीडियो मैंने कोना की बात की है, कोना 25,30,000 की है, 7% के हिसाब से 1,70,000 बनता है, तकरीबन 23.5 लाख इसका प्राइस निकल कर आ जाता है उसके बाद, कट के बाद। नंबर 5, मेंटेनेंस फ्री होती है गाड़ी दोस्तों, बहुत कम मेंटेनेंस, कोई वियर एंड टियर नहीं है, कोई इंजन पार्ट्स कुछ भी नहीं है, सिंपल एक बैटरी और एक मोटर है, बाकी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है। तो मेंटेनेंस आपकी बहुत कम रहती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर, मेंटेनेंस फ्री गाड़ियां रहती हैं इनकी। लॉन्ग रेंज, अब बिल्कुल अभी तक जो इंडिया में गाड़ियां थी जो भी अवेलेबल थी उनकी रेंज कम थी, 150 से 140 किलोमीटर, बट जब कोना लॉन्च हुई है दोस्तों 350 के आसपास इसकी रेंज रही, ऑन रोड एक्चुअल कंपनी वैसे 452 किलोमीटर रेंज करती है, बट वो पॉसिबल नहीं है इतने बैटरी पैक के साथ, 350 मैक्सिमम लगा रहा हूं मैं, तो वो भी 350 में चंडीगढ़ बैठो, अगर मैं दिल्ली जाना तो मैं 350 किलोमीटर आराम से वन साइड में जा सकता हूँ, वहां जाकर फिर रात को चार्ज किया, नेक्स्ट डे वापस आ सकता हूँ। लॉन्ग रेंज विदाउट पेट्रोल डीजल कोई खर्चा नहीं, अदरवाइज दिल्ली जाने का 2000 का तेल लग जाता दोस्तों, तो हिसाब से देखिए आप कितना फर्क पड़ेगा आपको प्राइस में भी। लॉन्ग रेंज ड्राइविंग आपको जो रनिंग कॉस्ट है गाड़ियों की तकरीबन 40 से 50 पैसे के पास निकल कर आती है, अगर मैं 2 व्हीलर की वर्ण करूँ तो 15 से 20 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से उनकी रेंज होती है। यहाँ पर आपको लॉन्ग रेंज के साथ साथ जो उसका रनिंग कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा कम पड़ती है, तकरीबन 5 से 6 गुना कम पड़ती है नॉर्मल जो हम पेट्रोल या डीजल पावर कारें होती है। नंबर 7, गियरलेस कंफर्टेबल ड्राइविंग, किस तरह कोई गियर नहीं है, सिंपल अप एंड डाउन गियर रहते हैं, बहुत इजी, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम गाड़ी चला रहे हैं तो उनके लिए बड़ा विदाउट गियर कोई ऑप्शन मिलती है तो वो हमेशा बेनिफिट रहता है। लेडीज के लिए अभी जो बिल्कुल नई नई गाड़ी सीखी है उनके लिए बहुत बेनिफिट रहती है, बहुत कंफर्टेबल रहती है गाड़ी ये। लास्ट वारंटी, अगर हम नॉर्मल गाड़ियों की बात करो 2 साल की या 5 प्लस 50 या 60,000 किलोमीटर की आपको वारंटी मिलती है,
फेम टू में बात करें तो मिनिमम आपको 3 साल की वारंटी तो आपको देनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी व्हीकल्स हो। लेकिन जो अच्छी हाई एंड गाड़ियां हैं, लाइक मैं कोना की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी, जो कि टेस्ला को भी बीट करती है। टेस्ला भी 8 साल और 1,20,000 किलोमीटर की वारंटी देती है, किलोमीटर रनिंग में 40,000 का फर्क है। तो दोस्तों ये थे टॉप 8 फीचर्स, जो फायदा ही फायदा, विन विन सिचुएशन है सभी के लिए, जो यूज कर रहे हैं उसके लिए भी, जो सड़क पर है, जो जिसकी वजह से पोल्यूशन नहीं है, जो सड़क पर जा रहे हैं मजबूरी है उनको पोल्यूशन की वजह से सेहत का नुकसान था, उनको भी फायदा है, किस तरह का नुकसान नहीं होगा। उसके बाद गवर्नमेंट को, उनका भी जो कच्चे तेल पर डिपेंडेंस थी वो आस्ते आस्ते खत्म हो रही है, तभी इतना ज्यादा पुश किया जा रहा है, फेम स्कीम को लगाया जा रहा है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से टैक्स माफ कर रही है, जीएसटी कम कर दिया गया है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जरूरत है, आज की जरूरत है। इस पर नहीं स्विच करेंगे तो हमारी आगे वाली जनरेशन बहुत ज्यादा सफर करने वाली, तो हम तो कर ही रहे हैं, आगे आने वाली जनरेशन और ज्यादा बुरी तरह से सफर करेगी। बाकी देखना हमें है, महंगा है सस्ता है, दोस्तों इनिशियल महंगा लगता है बट आपको उसको अगले 4-5 साल की कैलकुलेशन करेंगे एट पार आ जाता है। वैसे भी जो नई बैटरीज आ रही है टेक्नोलॉजी, जिसकी भी दिक्कत थी ज्यादा, जो मैं समझता हूँ हर कोई ये सोचता है कि ठीक है चल आज तो मैं ले लूंगा बट 3-4 साल बाद फिर वो कॉस्ट इतनी मैं कैसे दूंगा। दोस्तों 4 साल तक तो कॉस्ट उसकी 50% डाउन होने वाली है, इस बात को आप मेरी तरफ से बिलीव कीजिए। तब आपको बैटरी का चेंज भी करनी होगी, अगर आप ऐसी हाई एंड गाड़ी लेते हो फिर तो 8 साल तक कहीं नहीं है। अगर कंपनी 8 साल कह रही है मीन्स 10-11 साल कहीं नहीं जाने वाली दोस्तों, अगर आप इसको प्रॉपरली इसकी मेंटेनेंस भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो आप टाइमली करवाते रहो। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।